आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि इससे इंसाफ मिले, राइट? बिल्कुल चाहिए। मिस्टर हार्वी ने इनकी जिंदगी खराब कर दी है, इन्हें इनके किए की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर हार्वी को जेल होनी चाहिए। हाथ लगा के देखो तुम मेरे बेटे को, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये सब करने? जेल जेल हरलीन, हरलीन गुस्सा नहीं, जेल गुस्सा अच्छा नहीं है हमारे लिए और आरवी के लिए। प्लीज हरलीन कंट्रोल योरसेल्फ। हम चुप है उसका मतलब ये नहीं है कि आरवी गलत है। हमारे ना ये संस्कार नहीं है कि हम घर आए लोगों को ऐसे धक्के मार कर बाहर निकालें। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसे संस्कार होते ना तो पहला इंसान मैं ही होता जो आप सबको धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। मैं आपको यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकने देता। लो, संस्कार के माला जपने लगे। इतने अच्छे संस्कार है आपके तो अपने पोते आरवी में दे देते थोड़ा। जुबान संभाल के बात कीजिए। बड़े हैं हमारे घर के, ऐसे संस्कार है आपके बड़ों से बात करने के? लेकिन ये बस आपको नेत्रा के लिए इंसाफ चाहिए ना? ठीक है, मैं इंसाफ दिलाऊंगी इसे, मैं मदद करूंगी इसकी। क्या कहा था नेत्रा तुमने मीडिया वालों को? इनफैक्ट पूरी दुनिया को क्या बताया तुमने कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और इसके बाद शायद तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा? और आप लोग इसका साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि इसे इंसाफ मिले। तो आप लोगों को वो जनवरी वाला केस तो याद होगा ना? जनवरी केस? हाँ, आप सब लोग मीडिया से हैं, आप लोगों को तो पता होगा। एक ऐसा ही केस हुआ था जनवरी में। जिस तरह आप आरवी के बारे में सोच रहे हैं कि उसने किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लड़के पर केस भी हुआ क्योंकि जो फैसला था वो लड़की के फेवर में हुआ, लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और वो केस का नतीजा ये था कि उस लड़की की शादी उसी लड़के के साथ हो गई। जब मेरे पास मीडिया का कॉल आया कॉन्फ्रेंस के लिए तो मैंने हाँ कर दी थी क्योंकि मैं पूरी दुनिया के सामने एक अनाउंसमेंट करना चाहती थी। एक बात है जो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ और वो बात ये है कि मैं मिसेस पूर्वी मल्होत्रा अपने पति आरवी को डिवोर्स दे रही हूँ और इस नेत्रा की शादी आरवी के साथ करवा रही हूँ। तुम क्या बोल रही हो पूर्वी, क्या कह रही हो तुम? वही जो होना चाहिए, इंसाफ। नेत्रा के साथ अब इंसाफ होगा।